बाल पे डाई करवा कर आई है और देखते हैं कि वो कैसी लग रही है। मैं खुद भी उसको फर्स्ट टाइम देखूंगी। So guys, this is how we look today. Assalamu alaikum everyone. Welcome. तो मैंने intro खराब कर दिया तू। अच्छा, देख देंगे। First things आज की कुछ ऐसे हैं कि मैं रूप जा रही हैं dermatologist के पास बाबा के साथ और अरूप की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। हमारा बस आने पौने घंटे का काम है, उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे घर। और आज हमारे काफ़ी लंबे चौड़े प्लान था, तो हमारे साथ साथ रहेगा। और मौसम भी आज बहुत प्यारा हुआ है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई, बादल बादल आए हैं। और जब मौसम अच्छा होता है ना तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो बाहर निकले मौसम अच्छा देखें तो एक अच्छा सा अच्छी सी फील आती है, मेरे साथ ऐसा होता है। कहाँ जाना है बस? स्ट्रेट जी। स्ट्रेट क्या, तुम गाड़ी मार दो अंदर। इन लोगों ने मेरे ड्राइविंग स्किल्स को बहुत टेस्ट किया है। आई मीन बैडएस ड्राइवर बन गई, फुल बैडएस। आई एम अ बैडएस ड्राइवर टुडे। पकड़ो 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 बैडएस रंग घबराता नहीं है। तो यार बहुत ही एपिक ड्राइव करके हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच चुके हैं। पापा कह रहे हैं हाँ जी, कोई शक नहीं है। लेट्स गो इन। यार जो हमारे ब्यूटी सीक्रेट्स हैं ना, वो यहाँ पे रिवील होते हैं। यार हम यहाँ पे अब काटने लगे हैं लेबर डे का केक, क्योंकि आज है लेबर डे। और हम डॉक्टर श्वेता के साथ, हु इज आवर मोस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर, हमें कभी भी कोई डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर लेना हो तो हम उन्हीं के पास जाते हैं मोस्टली। मैं भी और रूप भी, हम दोनों। शी इज़ स्वीट हार्ट, शी इज़ सो वेलकमिंग एंड शी इज़ सो स्वीट। बहुत अच्छा लगता है इनके पास जब भी आते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मेरा फेवरेट केक आया हुआ है लेयर्स का। वी आर नाउ डन विद एवरी थिंग। अरूप ने अपना कोई डेंटल कंसल्टेशन थी वो भी करवाई है। जब हम लोग जा रहे हैं घर, मिर्दा घर पे उठ चुकी है, जुबैर की मुझे कॉल आई थी। तो गाइस हम लोग डॉक्टर वगैरह से होके घर आ चुके थे, मैं और रूप। और उसके बाद रूप ने जाना था आज कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए, तो वो वहाँ चली गई थी। और अभी वो घर वापस आई है, मैं आपको बता नहीं रही। वैसे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा टाइटल से भी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि रूप कैसी लग रही है। अरूप बहुत अरसे से चाहती थी अपने बाल डाई करवाना, और हम लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई भी उसको अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग खुद भी बाल डाई नहीं करवाते और हम लोगों का बिलीफ ये है कि बाल ख़राब हो जाते हैं। और उम्र के एक हिस्से में जाके जब आपके बाल वाइट होने लगते हैं तो आप वैसे भी बाल डाई कर लेते हैं, तो इसमें इतना रश करने की क्या ज़रूरत है। जब तक आप अपने नेचुरल बाल इन्जॉय कर सकते हैं आपको करना चाहिए। खैर अरूप को हमने कहा, लेकिन अरूप का दिल था करवाने का, तो फिर हमने उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया। हमने कहा ठीक है तुम ट्राई कर लो। तो अब वो बाहर खड़ी हुई है, बाल पर डाई करवा कर आई है और देखते हैं कि वो कैसी लग रही है। मैं खुद भी उसको फर्स्ट टाइम देखूँगी। Let's see. क्यों ना करूं? तुम्हें शर्म आ रही है? Come in girl, please, I want to see you. Literally no difference at all, यार इधर आओ ना करीब, I want to see you. कितनी बदतमीज है ये, आपको शर्म आ रही है? अंदर चली गई। मुझे पता है क्या लग रहा है, उसको पैसे तो नहीं देने ऊपर वाले को? नहीं देने। अच्छा चलो ठीक है। मुझे लगा कि तुम्हारे बाल डाई होके ना मेरे वाला शेड हो गया। खैर अरूप के ना जो बाल है ना वो जेट ब्लैक है, और जो मेरे बाल है वो भी ब्लैक है, लेकिन ब्लैक का पता नहीं कौन सा वाला शेड है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे उससे बाल थोड़े से लाइट, और मुझे लग रहा है कि उसने डाई करवाया ना वो मेरे जैसा शेड ही बन गया। तो कितनी बदतमीज़ हो, पता भी नहीं लग रहा अरूप के तुम्हें डाई करवाया। ऊपर से शेड आ रहा है, ये फ्लैश फ्लैश में लगा है। इसको बिल्कुल भी वो नहीं कह सकते कि एकदम से लुक चेंज हो गई और इस तरह होगा, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अच्छा लग रहा है वैसे रूप, अब वैसे फ्रंट से पता लग रहा है हमारे बाल के तुम्हें डाई कराए हैं, लेकिन बहुत अच्छी लुक आई है और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कलर पे जैसे बाल सूट करते हैं ना उस तरह का है कलर। अगर इससे वन टोन टू टोन लाइट भी हो जाएगा तो भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी फेयर। सो गाइस हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। आज इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है कि हमने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं, चल के कुछ खाना पीना खाते हैं। जुबैर भी घर पे नहीं है, वो भी अपने दोस्तों के साथ निकले हुए हैं, और अरूबा आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि
बहन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तुम ड्राइव कर रही हो? आपने करनी है? मैं कर लूं? थोड़ी सी तुम करो पहले, चला दो। अब क्या कह रही हो? मुझे भी दो, मुझे भी दो। किसे पूछ के? यार दे दो ना परफ्यूम, खोलो उसको। मैंने परफ्यूम नहीं लगाया। बहुत ज्यादा ना लगाओ मुझे, ना ज्यादा ना कम, बस बैलेंस हरदम हर चीज। आपने भी लगाना है, इसको भी लगा दो। नहीं नहीं पागल है बच्ची है वो, कितनी वो खुश हुई उसको भी लग गया मेरा कोई परफ्यूम लग गया है। जब बच्चों को परफ्यूम लगाते तो करते हैं ये बचपन में हमने अपनी मां से सीखा था। ड्रॉ बंद कर दो और जल्दी से लोकेशन लगा दे। ओके ओके हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं खाना खाने के लिए। सारे रास्ते ब्लॉग नहीं कर सके क्योंकि विपता के हाथ में फोन था, वो कार्टून देख रही थी। अरुण यू लुक वेरी नाइस। हां यू लुक वेरी नाइस, वेरी प्रीटी। आई हैव नो मेकअप ऐसे, यू डोंट नीड मेकअप हनी। And the food is here guys. Looks yummy. वो फोटो वीडियोग्राफर लग रही है जो खाते हुए लोग शादी हुए। तो गाइस खाना खा के हम लोग वहाँ से निकल आए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अब्दुल्ला के घर। और ड्राइव मैं कर रही हूँ इसलिए मैं कैमरा में नहीं देख सकती। मैं महानून के साथ हूँ और जो ये इसकी एक अदद बेटी है तब से मेरे कान में खांसी बेटा। अगर तुम मेरी आप अगर तुम मेरे कान में खांसी वृद्धा अगर अब तुम मेरे कान में खांसी इसकी आवाज ऐसा करो रूप पीछे नहीं 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 डाला हुआ है। नहीं यही तो तुम्हारे घर की वाइब है। इस घर का इस घर की फील ही ऐसी है। व्हाई नॉट बेबी पापा मिल रही है एकदम से। ये तो कमजोर हो गई है ना। हां आई नो क्या देखा ये तो कुछ रही नहीं है। उसके तुमने वाइट शलवार कमीज देखी है? किल कर रहा है वो अपनी वाइट शलवार कमीज से सबको। अब्दुल्ला भी आए किधर है? तंग तुमसे हाय हैंडसम। अभी तो तू गई थी फिर से तो तुम्हें प्रॉब्लम है? मेरा घर है, मुझे मर्जी आऊं। अच्छा बहुत लाइट चल रहा है। मेरे को कोई फील हुआ? अभी सारा आएगा उसको भी हार्ट का गाना है। पहुंच के बोलिए वो अब्दुल्ला बोलते तुम्हें लग रहा है डिफरेंस है कि तुम ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या है ना। सुन ला जैसे लाल सुन रहा है और इतना ज्यादा तुम इतना फील ही हो रहा ना। अरूप ने बाल डाई तो करवा लिया लेकिन साथ ने अभी तक उसको नहीं देखा। पसंद थे उसने बड़ी मुश्किल से वो माना कि मैं डाई करा लूं लेकिन अब उसका रिएक्शन नोट करते हैं। हाँ और अब जो सा है वो आ गया है नीचे खड़ा हुआ है और लड़की उसको रिसीव करने के लिए जा रही है। रूप को मैंने छुपा दिया है जब तो जब वो आएगा तो मैं उसका रिएक्शन नोट करेंगे। साथ इज हियर चलो ना चलो चलो उसे मिलते भी हैं और तो उसका रिएक्शन भी नोटिस कर। चलो अच्छी तो लग रही है यार। ये देखो जरा ओहो डेड डेड रिस्पॉन्स पता भी लग रहा था। पता इस लाइट में फिर भी नजर आ रहा है। ये बंद करो नजर भी नहीं आएगा उसके बाद क्योंकि तुमने करवाई है तो फिर मुझे लाइक अगर तुम मुझे किसी को भी ना बताती तो हाँ तो पता भी नहीं लगेगा। थोड़ा गौर से देखने में शायद पता लगता है। चलो पॉइंट नहीं था ना फिर चलो बस सही है मैं नहीं करवाऊंगी। पहले आप लोग वृद्धा को देख लें कि ये बाबा के जूते पहन के फिर रही है। इसको जोन सा भी जूता नजर आता है ये अपना उतारती है और वो वाला पहन लेती है।
तो गाइस हम लोग घर वापस आ चुके थे एंड इट वाज अ लॉन्ग एंड वेरी वेरी टायरिंग डे, लेकिन बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।